कलिंग को पराजित कर मौर्य सत्ता के अधीन लाना चाहती थी, तो दूसरी ओर कलिंग के सैनिक और नागरिक पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। अशोक बुलाता था कलिंग की सेना युद्ध की घोषणा सुनते ही हथियार डाल देगी और समर्पण कर देगी। युद्ध को 10 दिन हो गए थे, भयंकर रक्तपात हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों घायल हो गए, हजारों बंदी बना लिए गए, लेकिन कलिंग अशोक का नहीं हो सका था। इस सबसे अशोक बहुत विचलित था। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीस के अनुसार कलिंग की सेना में 60,000 सैनिक, 10,000 घुड़सवार सैनिक और 600 हाथी थे, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं बचा था। अशोक जब विजय पताका लेकर युद्ध क्षेत्र में गया तो वहां शवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, शवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, शवों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। Thank you.
कार्य मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब कली विजय पूर्ण होगी। हाँ, अब कली विजय पूर्ण होगी। अब शस्त्रों की चिंता सुनने को नहीं मिलेगी, अब आपको भी चिंता बंद हो जाएगी। अब कली में कौन बचा है जो युद्ध की पता लग जाएगा? लगातार 10 दिनों से चलते इस युद्ध में इतने बड़े नरसंहार और शस्त्रों की झंझार के बाद भी आपको शस्त्राभ्यास की आवश्यकता है। शस्त्राभ्यास की आवश्यकता तो हर समय है संगीता, इसलिए प्रार्थना के मुझे यही बताने आई हो। युद्ध तो अब समाप्त हो चुका है, जानना चाहती हूँ कि संग्राम में आप वापस राजधानी में पाटे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। संग्राम अचान भी हो सकता, करीब कुमार बंदी नहीं बना लिए जाते तब तक आप यहाँ से नहीं जाए। मैं तो बस आपसे ये निवेदन कर रही हूँ, मुझे समय आप करीब कुमार की माँ पिता निर्णय करें तो सही रहे, तब आपकी शौर्य की परीक्षा होगी। भारत सम्राट का शौर्य को अपने शरीर से कुमार को मेरे चरणों में सर झुकाना ही होगा। शस्त्रों से डर लगने लगा? नहीं, शस्त्रों से नहीं है। कुमार की मृत्यु से डरती है? मुझे उसकी चिंता नहीं, बात की चिंता है, मुझे सम्राट की चिंता है। गलती से वो तलवार को शौर्य का प्रतीक समझ बैठे। तलवार नहीं तो शौर्य का क्या? हृदय, हृदय की विशालता और उदारता का नाम ही शौर्य है सम्राट। लगता है बातों से मेरी जोड़ बनाने लगी हो, इसीलिए ये भाषा बोलती हो। लेकिन याद रखो, अशोक बौद्धों की तो बल्ली की कमल पर भारत का सम्राट ही बना है। से जिससे मैं आप सुंदर अपने लाखों को तो राखी वशी का
कलिंग के लोगों की तरह बाजार जी ने और तुम्हारी सब के साथ हमें पास ही काफ़े मेरी तलवार अच्छा पास तलवार के अंदर कुछ और भी होता है सरकार सत्ता हूँ जो अपनी भूमि अपने लाखों पुत्रों का रख पी चुकी अपने लोग कुछ फर्क नहीं होगा यहाँ तक नहीं पड़ेगा सरकार की एक सीमा होती है कुमार खुश में आगे बात करो मैंने क्रोध आया महाराज तुम्हारे सत्यारे सम्राट को सिर्फ लालों में पता छुपाना होगा एक दिन इसका अपना हृदय स्पर्शन न करेगा वही बात तुम्हारी बाबू की दुर्बल नीति के कारण ही तुम्हारा पतन हुआ है बंदी पतन मेरा नहीं हुआ है अशोक पतन तुम्हारा हर समय का पतन असंभव बंदी असंभव है अशोक पूरी तरह असंभव हो चुका आपको मालूम है कि तुम्हारे पतन की घोषणा दे रहा है आपको फैल नहीं कर तुम्हारे पतन के साथ मिल रहा है माताओं की थाली कोई होगी शिशुओं की हृदय दृष्टि में हर कहीं तुम्हारे पतन की कहानियां दे रहे मुझे राम विलास प्रदेश सब तुम्हारे पतन के साक्षी हैं अशोक तुमने तुमने पहले की खुद ही मुझे कहा है उसकी याद कर रहा है ठीक है तो ठीक नहीं और क्या है कुमार आत्मा को किसने देखा है शरीर ही सत्य है उसी की रचा सत्य है तुम्हारे शब्द जाल से तुम्हारी बाहर वजह नहीं बनतेगी अरे मुझे किसने पराजित किया है तुम्हारा तो सम्राट अशोक ने जिस कली को सुधा राजो हाथ दिखने वाला तुम्हारा गुरु चाहे पराजित कर सकता तब समय तुम्हारे सत्य ज्योति होना रहा उसे कोई भी कभी भी पराजित नहीं हो सकता सुराज में शक्ति है कोई भी कभी भी कलिंग को पराजित नहीं कर सकता तो मुझे प्रणाम नहीं करोगे कलिंग कुमार कलिंग के राज सुराज से कभी किसी को प्रणाम नहीं करता दुर्ग में छुपाए कलिंग का शासन मैं हूं कलिंग का स्वामी कलिंग कुमार कलिंग का स्वामी बोला कोई बात मुझे आप तो प्रश्न ही नहीं है बल्कि कलिंग का राज मुकुट तो मेरी ठोकरों में पड़ा है
अहम नदी शेष है। ऐसा कौन कहता है कि एक बंदी का सर नहीं छा सकता, तो नहीं जानता अशोक के बड़ों पराक्रम को। कौन है जो अशोक के क्रोध से बच सका है? कुछ नहीं, सब शब्द जाल है। अपनी पराजय की खींच उतारने का मौका, जैसे जैसे की पास आ रही है, सांस सांस कारण की जीत का, बंदियों की करुण पुकार, नारियों और पुरुषों को ही शोभा देती है।
विष्णु के समक्ष मर। मगर एक बात पूछो आप। रेवा गाती है तो मेरी आंखों के सामने ये घूमने का दृश्य आया। इसके मादक संगीत मुझे घायलों की कदम पुकार सुनाई देने लगती है, मेरे कानों में बंदियों की पुकार। क्यों होता है ये रक्तपात? क्यों होते हैं ये युद्ध और क्यों मरते हैं इतने आदमी? मैंने माँ वसुंधरा को अपने ही बेटों का रंग पीने के लिए विवश कर दिया, अपने ही बेटों का रंग। कोई माँ अपने बेटों का रंग पी सकती है? कोई माँ अपने बेटों का रंग पीती है? संगीता संगीता मेरी शक्ति कायरों की शक्ति है।
सम्राट की जय। सम्राट, एक बहुत भिक्षु आपसे मिलना चाहते हैं। वो बंदी यही कहता था ना कि एक बंदी का स्वर भी नहीं छुपा सकता। देव, बंदी का स्वर भी कुछ ही घंटों में आपके चरणों में लगा। सही है कहा था कि खोपड़ियां टुकराने के लिए तो अनेक बीटा संसार में घूमा करते हुए वो वीर पुरुषों का मार्ग नहीं है। देव, आपका चित्र ठीक नहीं लग रहा है। कोई गाइडा नहीं है। हाँ, सर मैं तो कहती है किसी को पराजित करने की भावना ही मनुष्य की सबसे किसी को प्राप्त नहीं और मृत्यु से खोए अरे उसे कर्म देने का शासन
कलिंग कुमार स्वतंत्र है। ये नहीं हो सकता। हमारा कलिंग कुमार स्वतंत्र ही नहीं है बल्कि अपनी काठी के स्वामी भी हैं। सामने भूमि का दृश्य ऐसा
खुशी की तो बात है। क्या बात है, ये तो एक तरह से अच्छा ही हुआ, युद्ध समाप्त हो गया। इससे मरने जीने वालों की संख्या सुनते सुनते मान हूँ। आपका मन नहीं हुआ? सभी को उठ पाओगा सब, वो बात ही ऐसी। शस्त्रों की खपत और असहाय घायलों की तरफ पुकार, हम से उठता हुआ आमों का धुआं, उनके मुख पर मनमाना हुआ जयघोष, कुछ ऐसा लगता था जैसे माँ के लौटे पुत्र की शव यात्रा का जुलूस निकल रहा हूँ। मुझे भी ऐसा लगता। आपको भी ऐसे लगता था? हाँ। और जब कन्या कुमार ने मुझे गीता कहा तो मेरा संदेह और भी दृढ़ हो गया। क्या कहा आपने? गीता शमशान में खोपड़ियां ठुकराने वाला गीता। ये कहा उसने? कलिंग के युवराज ने भारत सम्राट को ये कहा वो जीवित रहा, उसका इतना साहस देने की आज्ञा देने के बाद ही तो उसने मुझे गिरण कहा। उसने कहा कि कैसे वीर को एक बंदी का सर भी नहीं छोड़ सकते। खोपड़ियां ठुकराने के लिए तो अनेक वीर शमशान में घूमा करते हैं, मगर वो नर
विश्वास करने के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। आपसे कुछ मैं सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ कहीं मेरे अंदर उनकी दुर्बलता तो नहीं आती। राधा को समझता को लेने है और विष्णु को कुमार के पास है, वो लोग आते ही होंगे उन लोगों के आने में पूर्ण मैं अपनी दुर्बलता दिखाने हैं। अंकार की क्या है? कौन है? अंकार के यहाँ पर एक संदेश है। क्या संदेश? उन्होंने दानवी लीला का रक्त पीकर बढ़ रहे हैं, अभी वे खंडहर नष्ट
जिनमें बसने वाले उल्लू और चमगादड़ दिल दिला आपका गुणगान करते रहे। हिंसा ने मुझसे कहा कि मगर किए उस अत्याचारी राजा से कह देगा कि मरण तो संसार का नियम है। इस सब के लिए उसने इतने प्रयत्न क्यों किए? यदि वह जीवन के लिए इसे दशांश शक्ति भी खर्च करता तो संसार विधाता को भूल जाता। नगरों को खंडहर बना सकता है वो
नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? पराजितों में शोक की याद रखा देता है। प्रदेशों की आता चलाता है सम्राट को जीत कर हार जाता। सम्राट शस्त्रों की जीत जीत नहीं होती। जहां लोगों का इस प्रकार बन मरण और देश निकाला हो वैसा जीतना ना जीतने के बराबर है। जहां लोगों का इस प्रकार का उदाहरण देश होगा तुम कलिंग की साधारण नारी हो, तुम अवश्य किसी तत्व दर्शन होते हो। मुझे बताओ तेरा जीत का कोई डर ना रहता? सम्राट खुद से पूछ ले। कोई डर है? मैं सम्राट के शत्रु पक्ष की हूँ। नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं है मेरा। मैंने युवराज को क्षमा कर दिया। मार में प्रतिशोध की भावना का
अशोक की भावना के अत्याग में खुश हो। बुद्ध मार ले तुम अशोक की भावना के अत्याग में खुश हो। सम्राट की जय हो। हमार सम्राट राजकुमारी चंद्रमिता बहुत तेज से बनी के पास राजकुमार ने और विष्णु गुप्तों के पास पहुंच गए। आप से हमार दिन से मिली ये कनिक की राजकुमारी जिन्होंने मेरा वध करने के लिए ये वस्त्र कौन है जो सम्राट का वध करना चाहता है? हाँ मार विष्णुगुप्त चाणक्य के शिष्य पर प्रकार धर्मेश को मान राजकुमारी मनुष्य का वध करने की एक नई रीति जानती है जिस तरह वो मर भी जाता है और उसके प्राण भी नहीं। आपको शायद विश्वास नहीं है। चलिए हमारे हम शीघ्र ही वध करते हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या सब कुछ विचित्र अविश्वसनीय अद्भुत रात्रि का दूसरा प्रहर आरंभ हो रहा है। रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त हो रहा है। सजग रहे सावधान रहे। आचार्य चाणक्य कहते हैं सिंधु भूखा होने पर भी चिंता नहीं खाता। सजग रहे बातें कभी पुरानी नहीं होती।
कोई नहीं बदल, तो केवल अपने से अधिक शक्तिशाली प्रभाव के पीछे छिप जाता है। शब्दों का ये माया जाल नारी को भी शोभा देता है। शब्दों का माया जाल कुमार, शब्दों का ये माया जाल भावना की भित्ति पर उठता है। कुछ देर पहले आपने कैला से कहा, बस यही तक तुम्हारा शौर्य, यही है तुम्हारी वीरता। इसी बात पर सम्राट बने, एक बंदी का सिर नहीं झुका सकते। खोपड़ियां टुकराने के लिए अनेक इंद्र स्पेशल में घुमा करते हैं, मगर वो वीर पुरुषों का माया। अच्छा है कि कुमार वीर होकर डर है,
पता नहीं इस जगह कारण जान सकती हूँ? हाँ देवी दया, मैं यही चाहता हूँ कि आपके पढ़ने की तमाम इसलिए मेरा शोभा का कारण बने। आप हैं जो मेरे पास से विषय का करते हैं। तो आप जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अभी कुमार कुछ भी होने से पहले एक कोश है। कोश तो प्रश्न से ये है, उसकी प्रश्न से मैंने आपका कथा भी समझे। जानते और तभी पूछती हूँ कि अगर लीला प्रणय आपकी प्राण रक्षा चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? प्रणय प्राणों की तीक्ष्ण नहीं माला करता देवी। मैं संधार के दर से काट नहीं जा रही है। मैं उस आपके का संधान करूँगा। कुछ श्रीमा, मन मोहिनी उषा, संगीत रचाकर नराती हुई आसमान सुन रही उसी क्षण देवी में थी मेरा इंद्र तुम्हारे आए मेरी मृत्यु में ही मेरा कल्याण है मगर करें इस महानाश की भैया के साथ करें कि बाकी स्त्रियों की मांग का सिंधु रस दूर है तो ऐसे में मैं आपकी मां में सिंधु नहीं मांग सकता लाश मैंने आपके आप पलू देखे मशक्त अंदर की गहराई उतरने के लिए और चोर की आवश्यकता राज के संपूर्ण हुए बिना निर्माण संभव है क्या भी और विनाश होना शेष है बहुत शेष है
अभी कलिंग का रंग जब होना शेष है, अभी मेरा वध शेष है, अभी आपका हृदय टूटना शेष है, अभी संग्राम के पश्चात आप से उत्पन्न आज्ञा का उल्लंघन होना शेष है। सत्य देखिए चंद दिन के बाद आपको पता नहीं है देवी, मेरा समय आ गया देवी। देवी सम्राट के आज्ञा पालन करने के लिए आप पहुंची है। बस दो चटोटे देवी, वो आने ही वाले। नहीं देवी, अब कोई नहीं आने की आवश्यकता है, अब कोई नहीं आने वाला। Thank you.
का हत्या आपकी सिर्फ प्रतिशोध लेना चाहिए। प्रस्तुत राजकुमारी अपना प्रतिशोध पूरा कीजिए। अशोक का वध करने के लिए अभी और अधिक सैन्य की आवश्यकता है। कुमार ने मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कुमार के बलिदान के लिए उस पर मनुष्यता जारी हुई। अशोक स्वयं को पहचानेगा, अवश्य पहचानेगा। महानाश जितना पूर्ण होता है निर्माण उतना ही दृढ़ होता है। Thank you.